गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपको बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका है टॉपिक वर्ण विचार। वर्ण विचार, अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करिए। अब जैसे यहाँ पे पतंग दिया है, अब पतंग का आपको वर्ण विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? पा प्लस आ प्लस ता प्लस आ प्लस न प्लस गा, पतंग। अब इसी तरह आपको दूसरा हवा शब्द का वर्ण विच्छेद स्वयं ही करना है। अब यहाँ पे कुछ ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को अलग अलग करके लिखना है। अब जैसे यहाँ पे कुछ आपको वर्ण दिए गए, इनमें जो ह्रस्व स्वर है उन्हें अलग छाट कर लिखना है और दीर्घ स्वर को अलग छाट कर लिखना, स्वयं ही लिखना है। अब हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित वर्णों को जोड़कर लिखो। जैसे आपका का नंबर पे है या प्लस बड़ा आ प्लस ता प्लस रा प्लस आ। अब इनको जोड़ के जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? यात्रा। इसी तरह आपको खा नंबर गा घा डा, इन सभी को स्वयं ही जोड़कर लिखना है। अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। नीचे लिखे स्वरों की मात्राओं से दो दो शब्द बनाइए। जैसे आपका बड़ा आ लिखा है, अब यहाँ पे कौन सा स्वर लिखा है? बड़ा, और इसमें मात्रा से दो दो शब्द बनाना है। जैसे अब आ को अगर हम का से मिलाएंगे तो काला काला, उसके बाद हम दूसरा इसी से मिलता जुलता आ की मात्रा से दूसरा शब्द बनाएंगे आम, या इससे और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसी तरह ई की मात्रा लगा के नए शब्द बनाएंगे, बड़ी की मात्रा लगा के छोटा ऊ बड़ा ऊ रेसे रेशी ए ए ओ औ, इनकी मात्रा का प्रयोग करते हुए हम दो दो नए शब्द बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। प्रश्न चार, अनुस्वर शब्द वाले शब्द लिखो। अनुस्वर वाले शब्द लिखो मतलब जिसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती। जैसे अब हमने पहला शब्द लिखा अंग अंग, अब इसमें ऊपर बिंदी लगी है। दूसरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? इसे से मिलता जुलता बंदर। इसी से मिलते जुलते आपको यहाँ पे आठ शब्द लिखने हैं, स्वयं ही लिखने हैं। अब आते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसा कि आपको यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए छह शब्द लिखने। जैसे बच्चा, अब डबल चा लगा है, आधा चा पूरा चा फिर आ की मात्रा। इसी तरह आपको द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए यहाँ पे कुल छह शब्द लिखने हैं। अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्न की तरफ। अंतस्थ तथा ऊष्म व्यंजनों को अलग अलग करके लिखो। जो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं इनमें से आपको छाट कर अलग अलग लिखने हैं। संयुक्त और द्वित्व व्यंजन वाले शब्द छाटकर अलग अलग स्थान पर लिखिए। अब इसमें कुछ व्यक्त संयुक्त व्यंजन है और कुछ द्वित्व व्यंजन है, जिनको आपको अलग अलग करके स्वयं ही लिखना है। अब निम्नलिखित संयुक्ताक्षरों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। अब यहाँ पे कुछ संयुक्ताक्षर दिए हुए हैं, इनकी सहायता से आपको दो शब्द बनाने हैं। जैसे आपका पहला है ता प्लस मा तम, अब इससे हम एक शब्द बनाएंगे उत्तम। इसी तरह आपको दूसरा यहाँ पे शब्द बनाना है द या न या चा छा, इनको आपको स्वयं ही यहाँ पे बनाना है। ओके क्लास, आई होप सो आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से पढ़ा सुना समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।